अंबाला छावनी से आज हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां आज साईं बाबा की मूर्ति के दूध पीने की खबर आग की तरफ फैल गई। साईं बाबा की ये मूर्ति दूध पी रही है, ये सुनकर बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। दरअसल छावनी के एक परिवार का दावा है कि जब वो रोजाना की तरह बाबा की मूर्ति को दूध का भोग लगाने लगे तो जो नजारा देखने को मिला वो हैरान कर देने वाला था। भारत देश में आए दिन कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। अंबाला छावनी में भी एक चमत्कार का मामला सामने आया है। दरअसल छावनी के एक परिवार ने दावा किया है कि उनके घर में जो साईं बाबा की मूर्ति है वो दूध पी रही है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। साईं बाबा की मूर्ति दूध पी रही है, ये बात सुनकर साईं बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। इस दावे को लेकर जब परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो रोजाना की तरह साईं बाबा की मूर्ति को दूध का भोग लगा रहे थे, लेकिन आज सुबह उन्हें हैरानी तब हुई जब साईं बाबा की मूर्ति दूध पीने लगी। वहीं लोगों ने बताया कि उनके ऊपर साईं बाबा की बहुत कृपा हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि साईं बाबा उनके घर आए हैं। जो नजारा मीडिया के कैमरों में कैद हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था, जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वाकई बाबा की मूर्ति दूध पी रही थी या फिर ये कुछ और था। वही मूर्ति द्वारा दूध पीने को दावा कर रहे व्यक्ति के दोस्त ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि उनके दोस्त राजेश के घर में साईं बाबा की मूर्ति दूध पी रही है, जिसके बाद मोहल्ले के सभी लोगों में ये बात फैल गई। उन्होंने बताया कि वो भी साईं भक्त है और उन्होंने भी साईं बाबा की मूर्ति को दूध पिलाया है, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। साईं बाबा की मूर्ति को लोग चम्मच से दूध और पानी पिला रहे थे और देखते ही देखते चम्मच खाली भी हो रहा था। ऐसे में इस नजारे को देख साईं बाबा के भक्तों की आस्था और बढ़ गई। लेकिन आज के साइंस और आधुनिक युग में क्या वाकई ऐसा चमत्कार संभव है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सच बात है। वैसे तो हम रोज ही दूध पिलाते हैं, सुबह के टाइम भोग लगाते हैं साईं जी को, लेकिन आज सुबह कुछ अचंभा सा ही हो गया। जब मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा साईं जी को भोग लगा दो, तो उन्हें नहा धोकर अपना जैसे ही जोत जलाते हैं, जोत जला के भोग लगाया तो मूर्ति एकदम दूध पीने लग गई। तो मेरे को बेटा कहता पापा चम्मच में से दूध खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, तूने गिरा दिया होगा, देख चेक कर एक बारी। उन्हें दोबारा पिलाया, दोबारा फिर खत्म हो गया, चम्मच खाली हो गई। तो उसने फिर देखा, मैंने एकदम अचंभा हो गया। फिर हमने अपने साईं भक्त, जो हमारे साईं भक्त हैं, उनको बुलाया, उनको भी दिखाया कि हाँ जी देखो मूर्ति दूध पी रही है। कह रहे हाँ नहीं, ये तो अचंभा हो गया, बिल्कुल साईं बाबा की कृपा है ये आपके ऊपर कि आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि साईं बाबा जी की मूर्ति दूध पी रही है। ये नहीं कि हमारे से ही पी रही है, जो भी आ रहा है यहाँ पे गली के अंदर, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, सबके हाथों से मूर्ति दूध पी रही है। दूध पानी जल जो भी पिला रहे हो, बिल्कुल मूर्ति पी रही है ये। इसका मेरा मानना है बहुत बड़ा चमत्कार है जी। मैं साईं बाबा जी को बहुत टाइम से मानती हूँ, और जैसे मेरे बेटे ने सुबह आज दूध पिलाया साईं जी को और उन्होंने पीना शुरू कर दिया, तो मेरे बेटे ने मेरे को बताया मम्मा अभी साईं बाबा जी दूध पी रहे हैं। तो मैंने जाके देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई भी बाबा जी मेरे घर में आए हैं और दूध पी रहे हैं। ओम साईं राम जी। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं राजेश कुमार जी का मित्र हूँ, और मुझे पता लगा आज सुबह कि राजेश कुमार जी के घर में साईं बाबा जी की मूर्ति स्थापित है तकरीबन 2 सालों से, और उनके बेटे ने सुबह जब भोग का वक्त हुआ तो भोग लगवाया दूध से, तो साईं बाबा जी ने दूध ग्रहण किया। तो उन्होंने अपने पापा से बात करी, फिर सभी ने बारी बारी से साईं बाबा जी को दूध का भोग लगवाया, सब ने ग्रहण किया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो एरिया में बात फैल गई है, जो मुझे भी पता लगा। तो मैं भी साईं भक्त हूँ, मुझे भी थोड़ा जो पता लगा कि लोगों से और हमारे मित्र जो राजेश कुमार जी से कि भी ऐसे ऐसे साईं बाबा जी की मूर्ति जो है वो दूध ग्रहण कर रही है, तो मुझे भी लालसा हुई। मैं खुद भी आया फिर यहाँ पर, मैंने अपने हाथों से साईं बाबा जी को दूध का भोग लगाया, उन्होंने दूध पिया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ राजेश कुमार जी और उनके परिवार को कि साईं बाबा जी उनके घर में प्रवेश किया है, तो साईं बाबा जी इसी तरह कृपा बनाए रखें, सभी पर अपार कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।